सब्सक्राइब कीजिए स्टार एंड प्रोटेक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इन प्रोटेक्ट सीएनसी। आज का हमारा टॉपिक है आओ सीएनसी सीखे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है स्टार्ट टू वर्क। पिछले वीडियो में हमने देखा कि काम शुरू करने से पहले हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, चेकलिस्ट कौन कौन सी है उसे फॉलो करना है वो हमने देख लिया। अभी हमें काम की शुरुआत करनी है तो उसमें क्या क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आप जॉब लोड कीजिए, उसके बाद सिलेक्ट एटोमोड, साइकिल स्टार्ट कीजिए। साइकिल स्टार्ट करने के बाद प्रोग्राम रन हो जाएगा। जॉब अनलोड कीजिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद, उसके बाद जॉब को चेक कीजिए। जॉब अगर आपका ओके है तो आप बिगिन टू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को शुरुआत कीजिए। तो चलो फील्ड पे चलते हैं और देखते हैं। चेकलिस्ट को पूरा चेक करने के बाद अभी जॉब लोड करना है। इसके बाद जॉब क्लैंप करने के लिए यहाँ पे क्लैंपिंग पैड है, उसको प्रेस कीजिए। ऑटो मोड सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन स्टॉप ऑन कीजिए, डोर बंद करके साइकिल स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे अपना साइकिल चालू हो गया। यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्या हमारा वर्किंग टूल जो है वो 1 नंबर है। हमने यहाँ पे ऑप्शन स्टॉप को ऑन किया था, इसी वजह से यहाँ पे साइकिल स्टॉप हो गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है, यहाँ पे साइकिल स्टॉप दिखा रहा है और यहाँ पे मशीन रुका हुआ। आगे का प्रोग्राम रन करने के लिए फिर से साइकिल स्टार्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है तो ऑटो स्टॉप को बंद कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे वापस प्रोग्राम नंबर दिखाई देगा, ऊपर इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। जॉब निकालने के लिए वापस आप डिक्लेम कीजिए। ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप जॉब को चेक कीजिए। अभी पूरा जॉब हमने यहाँ पे चेक कर लिया, सभी गेजेस ओके है, सही है। अभी प्रोडक्शन चालू करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका रीडिंग आपको गलत दिखाई दे रहा हो या डायल कुछ गलत दिखा रही हो तो आप आपके सुपरवाइजर को कॉल कीजिए, उनको बुला लीजिए, वो आपका जॉब चेक करेंगे, करेक्शन देंगे, आपको नया जॉब सेट करके ओके करके दे देंगे, उसके बाद आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। तो मैं हमने सीखा कि काम को स्टार्ट कैसे करें। अगले वीडियो से हम कीबोर्ड के डिटेल चालू कर रहे हैं, तो प्लीज कीप वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।